खबर छपरा से है, जहां परसा प्रखंड में हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर श्री कृष्ण पूजा समिति के बैनर तले हिंदू मुस्लिम एकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शैलेंद्र कुमार के नेतृत्व में भारत माता महात्मा गांधी स्वरूप झांकी के साथ उच्च विद्यालय परिसर में शांति मार्च निकालकर एकता का संदेश दिया। हिंदू मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को अबीर लगाकर तथा टोपी पहनाकर एकता का परिचय दिया। शांति मार्च में शामिल लोगों ने भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। कार्यक्रम में नव उपाध्यक्ष सत्येंद्र राय, वार्ड पार्षद पुनीत महतो, देवेंद्र कुमार, पंकज कुमार, मोहम्मद शहजाद, राजद अध्यक्ष कंचन कुमार, असगर अली, रंजीत कुमार राय इत्यादि लोग शामिल हैं। छपरा से ब्यूरो संवाददाता मनोज कुमार सिंह के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। एकता के लिए किया गया है, हिंदुस्तान जितना हमारे हिंदू भाइयों का है उतना मुसलमान भाइयों का है। हम दो भाई हैं और हमारे भाई से हमको कोई जुदा करेगा तो हमारे जैसा कृष्ण पूजा समिति का बहुत सारा लोग खड़ा होकर एकता वाला रैली निकालेगा हमेशा। इसलिए इसके पीछे मेरा उद्देश्य यही है कि समाज में किसी भी जाति के लोग हो, चाहे किसी भी धर्म के हो, ये नहीं है कि स्वर्ण हो, दलित हो, बैकवर्ड हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, वो इकट्ठा हो जाए तो ये नेता लोग जो हमारे ऊपर राजनीति करते हैं खत्म हो जाएगा। इसको हम चाहते हैं कि उनसे दूर रहिए, वातावरण बताइए, समाज को आगे बढ़ाइए, एकता जिंदाबाद करिए, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद करिए। एक बनेगा भारत तभी नेक बनेगा भारत। इसलिए श्री कृष्ण पूजा समिति का इसमें दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है, ये सिर्फ एकता महारैली किया गया था कि हमारे समाज में एकता।